नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जागरण हाईटेक। होंडा टू व्हीलर्स इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक बेहद पॉपुलर और बड़ा नाम। इस टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर ने आज तीन बड़े अनाउंसमेंट्स किए हैं। पहला, आपके पीछे आप देख सकते हैं, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन। होंडा की पावर आर्म है डिविजन HEID, जो बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो बैटरी स्वैपिंग को लेके आज होंडा ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। इसके साथ साथ फ्लेक्सी फ्यूल टेक्नोलॉजी, मतलब आपके मोटरसाइकिल में या टू व्हीलर में पेट्रोल में इथेनॉल का कॉम्बिनेशन, फ्लेक्सी फ्यूल, जहां हमारी सरकार भी बहुत ज़्यादा एम्फोसिस कर रही है, उस पर भी कंपनी ने अपनी राय पेश की है। और तीसरा बड़ा मुद्दा है, एक नई एंट्री लेवल कम्यूटर मोटरसाइकिल भारतीय बाजार में आने को है। तो आज की वीडियो में सारी बातें करेंगे। आप देख रहे हैं हाईटेक, मैं हूं अनिर्बान। अगर वीडियो पसंद आता है तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत कुछ आज आपको जानने को मिलेगा। सो दोस्तों, आप जो अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये एक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उदाहरण कुछ ऐसा रहेगा। एक सेल में लगभग 12 बैटरीज आ सकती हैं। इज अ स्वैपेबल नेचर। ये पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से पहले बेंगलुरु शहर में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, मई के महीने में आ जाना चाहिए। भाई बैटरीज काम करते कैसे करती हैं, यू विल बी गिवन अ RFID कार्ड या एक्सेस कार्ड दिया जाएगा। यहाँ पे टच करवाते ही यू कैन, जैसे इन बैटरीज में फुल्ली चार्ज्ड है ब्लू कलर, यू कैन टेक इट आउट। देखिए, ऐसे आप बैटरी निकाल सकते हैं एंड यू कैन स्वैप इट इन योर व्हीकल। अब ये कौन सी व्हीकल्स में अवेलेबल करवाई जाएगी, जो होंडा के साथ पार्टनरशिप करेगी। अभी तक होंडा ने कोई भी टू व्हीलर इलेक्ट्रिक या थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक का अनाउंसमेंट नहीं किया है, बट डिफरेंट OEMs के साथ पार्टनरशिप करी है। फॉर एग्जांपल, हम देख सकते हैं यहाँ पे एक टू व्हीलर रखी हुई है। होंडा ने बेनली के साथ पार्टनरशिप किया है और इस स्कूटर में दो बैटरीज डाली जाती हैं, जो अंडर सीट स्टोरेज में यहाँ पर डाली जाएगी। तो बैटरी बनाएगी होंडा से बैटरी आएगी और OEM जो मैन्युफैक्चरर है वो बिना बैटरी के डायरेक्टली सेल कर सकती है अपने कस्टमर को, जो कस्टमर अपने सब्सक्रिप्शन वाइज होंडा की बैटरी ले सकते हैं। सिमिलरली, होंडा ने OEM के हिसाब से पार्टनरशिप की है अब तक दो कमर्शियल व्हीकल्स के साथ भी, अतुल एंड ग्रीव्स के साथ, जहाँ जैसे कि इस ऑटो रिक्शा में देख सकते हैं यहाँ पर चार बैटरी एक साथ फिट हो जाती है। सो कमर्शियल स्पेस में भी इस कंपनी का पेनिट्रेशन हम देख सकते हैं। एंड इन फ्यूचर व्हेन होंडा कम्स आउट विद एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑब्वियसली बैटरी यहीं से सप्लाई की जाएगी। तो ओवरऑल जो मैकेनिज्म है, ये सब्सक्रिप्शन मॉडल होगा, स्टार्ट किया जाएगा बेंगलुरु से और धीरे धीरे कंपनी इस प्लान को, प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करेगी, देश के विभिन्न प्रांतों तक पहुँचाएगी। टारगेट जो है पहले Tier 1 सिटीज़ का रखा गया है। तो दोस्तों, दूसरी जो बड़ी खबर है होंडा टू व्हीलर्स के मानेसर प्लान से, वो है फ्लेक्सी फ्यूल को लेके। फ्लेक्सी फ्यूल मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ इथेनॉल कंटेंट आपके पेट्रोल में मिक्स किया जाता है एंड ये ईंधन आपके इंजन में डाला जाएगा। इससे क्या बेनिफिट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल, इथेनॉल जब बर्न करता है इट प्रोड्यूसेस वाटर, विच मीन्स पोल्यूशन में रिडक्शन। इसके साथ साथ जब इथेनॉल आप पेट्रोल के साथ ऐड करते हैं तो ओवरऑल जो देश का क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो भी एक तरह से इंपैक्ट होता है, मतलब कम इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड दैट इज़ अ फाइनेंशियल बून फॉर द कंट्री। अब देखिए, सामने दो मोटरसाइकिल्स रखी गई हैं। ऑन द राइट ऑफ द स्क्रीन इज़ अ 300cc एडवेंचर मोटरसाइकिल और जो मेरे साइड में खड़ी है ये एक 160cc CG टाइटन, बेहद पॉपुलर मॉडल है। ये दोनों मोटरसाइकिल्स बिकती हैं लैटिन अमेरिकन मार्केट में, लैटिन अमेरिका मतलब मोस्टली ब्राज़ीलियन मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और इन दोनों मोटरसाइकिल्स की ओवरऑल बिक्री आज तक टिल डेट हैज़ क्रॉस्ड 7 मिलियन, 7 मिलियन का आंकड़ा छू चुकी है ये दोनों मोटरसाइकिल्स। और होंडा टू व्हीलर्स प्रॉमिस कर रही है, वादा कर रही है कि बहुत जल्द ऐसी एक मोटरसाइकिल हमारे देश में भी लॉन्च की जाएगी। तो दोस्तों, तीसरी जो बड़ी खबर है दैट इज़ रिगार्डिंग अ न्यू प्रोडक्ट। होंडा टू व्हीलर्स ने प्रॉमिस किया है कि एक नई एंट्री लेवल 100 से 110 सीसी की मोटरसाइकिल भारतीय बाजार में इंट्रोड्यूस की जाएगी। शाइन SP जो 125 कम्यूटर सेगमेंट है इसके नीचे बैठेगी ये और इसमें हाईटेक प्रीमियम फीचर्स दिए जाएंगे। अब इसका लॉन्च टाइमलाइन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ 2022 मार्केट में हिट होना चाहिए। इसकी तस्वीरें आज हमारे पास नहीं है, बट जुड़े रहिए, इससे हम ज़रूर आपको फ्यूचर में बताते रहेंगे कैसी प्रोडक्ट है और चलाने में कैसी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए कि होंडा की जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हाउ दिस कैन चेंज द डायनामिक्स ऑफ ऑटोमोटिव मार्केट। दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस।